गार्डन ही बनेगा, गार्डन पहले बड़ा था, अब जितनी जगह बची है भले छोटी जगह है, छोटी जगह किया ना तो हम तक तो आने दो, लेकिन दुकानें बन गई, ये तो सिर्फ हवा बना के रख दी है।
दुकानें बन रही, दुकानें बन रही, हम बोल रहे कि गार्डन बनेगा, वो हम खुद बोल रहे कि गार्डन बनेगा, वो गार्डन से संगति सभी हैं, हम लोग भी चाह रहे गार्डन बने, हम भी चाह रहे गार्डन, लेकिन दुकान के दीवार की टूट रही है, दीवार इसीलिए कि गार्डन बनेगा, तो गार्डन दीवार तोड़ के गार्डन कैसे बनेगा, जब घास कंपाउंड में स्कूल रिजर्वेशन की जगह पे क्यों गार्डन बनाया गया? आप साबित करो कि स्कूल की रिजर्वेशन पे गार्डन बनाया बोलकर, मैं अपना पद से राजीनामा दूंगा, दे देंगे, मैं राजीनामा दूंगा, अगर आप साबित करो कि स्कूल रिजर्वेशन की जगह के ऊपर अगर गार्डन बना रहेगा तो मैं अपने पद से राजीनामा दूंगा। मैं सर्वे नंबर के हिसाब से मैं आपको तीनों सर्वे गिनाता हूँ, सर्वे नंबर 146 का एक स्कूल रिजर्वेशन, गार्डन रिजर्वेशन, मार्केट रिजर्वेशन, स्कूल रिजर्वेशन स्कूल की जगह पे पूरी बाउंड्री लगी हुई है, गार्डन रिजर्वेशन पे गार्डन बना है, मार्केट की जगह पर यामिनी बिल्डिंग बनी है, साबित करो तो ठीक है, मैं तो मैं अपना राजीनामा देने तैयार हूँ, अगर आप ये बोलते हैं स्कूल की जगह पे, स्कूल की जगह पे मैं अपने मोबाइल में आपको सपोर्ट दे देता हूँ, आपको बता रहे हैं तब देंगे, ये हमारे जो है नगर सेवक है, युवा नगर सेवक है, साकेत भाई इनका कहना है कि दुकान नहीं बनेगी, ये जबल लाइफ है, इनकी वाइफ है, हाँ वो बोलो, यहाँ पर दुकानें नहीं बनेगी। रह गई बात जो घास कंपाउंड में गार्डन बनाया गया है रिजर्वेशन की जमीन पर जो स्कूल का था, अगर वो साबित कर दो तो मैं राजीनामा दे दूंगा, ये लो, लेकिन हम आपको बता दें कि वो प्रस्ताव पारित नहीं हुआ है, थाने मनपा से अप्रूव नहीं है और ना थाने मनपा के बजट का उसमें कोई निधि लगी है। वो किस तरीके से गार्डन का निर्माण किया गया है इसका खुलासा जल्द मीडिया